गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू 12th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। इन चैप्टर वेव ऑप्टिक्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ओके, नाउ we are discussing about the last topic of this chapter is polarization। जैसा आपको पता था कि हाइगेंस जो था उसने के जो थ्योरी थी, हाइगेंस की जो थ्योरी थी उसमें ये माना गया था कि लाइट जो है वो है आपकी वेव, है ना, पार्टिकल नहीं है। जबकि जो न्यूटन की जो थ्योरी थी, कार्पस्कुलर मॉडल था, उसमें ये माना गया था कि लाइट जो है वो क्या है आपका, पार्टिकल्स माने गए थे। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने पोलराइजेशन वाली इस थ्योरी में हमने, मतलब न्यूटन ने जो, उसने हाइगेंस ने जो सपोज किया था वो ये माना था कि लाइट वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जबकि उसके करीबन 150-200 साल बाद मैक्सवेल ने, मतलब खोज तो हर्ट्ज ने की थी, हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी की थी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेशन जो इक्वेशंस थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो इक्वेशन थी वो दी थी आपकी किसने, मैक्सवेल। और मैक्सवेल ने ये देखा था, ये बताया था मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं, तो लाइट ही कैसी होगी आपकी, ट्रांसवर्स होगी। और ट्रांसवर्स होने के साथ इसे आगे बढ़ने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो जब से ये पता चला कि लाइट वेव आपकी क्या है, ट्रांसवर्स वेव है, फिर पोलराइजेशन को समझाने में काफ़ी इजी हो गया, मामला काफ़ी आसान हो गया पोलराइजेशन को समझाना। तो आ जाइए हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पहले आपको बताते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा क्या है, वाई एक्सिस। ये बी है, ये ई है, ये बी है, ये ई है, ये बी, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ये डायग्राम आप लोगों ने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। तो मैं बता दूं आपको, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर इन वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर इन वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। ये आपकी दोनों ही बोथ आर परपेंडिकुलर विद प्रोपगेशन डायरेक्शन एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर विद ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, और मतलब बोथ आर परपेंडिकुलर विद प्रोपगेशन डायरेक्शन एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर विद ईच अदर। तो वो आपस में भी एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसको अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहते हैं, इसी को बेटा हमने नाम दिया है लाइट वेक्टर। इसी को हम लाइट वेक्टर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ही हम क्या कहते हैं, लाइट वेक्टर कहते हैं।
ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक थोड़ा टीडियस होता है, बोरियत फील करता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से एक बार। देखिए पोलराइजेशन क्या होता है, मतलब हाइगेंस ने तो ये कह दिया था कि लाइट वेव आपकी ट्रांसवर्स होती है, लेकिन जब मैक्सवेल ने कहा था ये ट्रांसवर्स नहीं है, ये कैसी वेव है आपकी, सॉरी हाइगेंस ने कहा था लाइट वेव आपकी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन फिर मैक्सवेल ने बोला कि ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक पार्ट है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है आपकी, ट्रांसवर्स होती है नेचर में, तो ट्रांसवर्स होती है तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर इन वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन एंड दे आल्सो परपेंडिकुलर विद ईच अदर, सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज नोन लाइट वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को हम लोग लाइट वेक्टर की तरह सपोज करते हैं। तो अब देखिए पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ओके अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर फाउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर फाउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन देन लाइट इज नोन अनपोलराइज्ड लाइट। अगर लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के सभी जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सब में मिले, ऐसे समझिए जैसे पॉइंट सोर्स है, बल्ब है एक, तो बल्ब से लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ऊपर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, तो क्या बल्ब की लाइट में कहीं कोई डायरेक्शन छूटी, नहीं छूटी। तो वही बता रहा हूं, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर फाउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन देन लाइट इज नोन अनपोलराइज्ड लाइट, तो लाइट आपकी कहलाएगी क्या बताइए, ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसको हम ऐसे भी दिखा देते हैं, एक सिंगल एरो बनाते हैं, ऐसे एरो बनाना है अपन, और इस पर यहां बीच में डॉट बना देते हैं। एरो का मतलब होता है वाइब्रेशन इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर वाइब्रेशन, और डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एरो का मतलब है वाइब्रेशन इन अ प्लेन और डॉट का मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इधर आगे और पीछे दोनों तरफ जा सकती है, तो साइड डायरेक्शन कवर हो गई, ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये लाइट आपकी कैसी होगी अनपोलर लाइट। किसी भी बल्ब से या ट्यूबलाइट से या कोई भी लाइट सोर्स आपने देखा हो जिससे लाइट निकलती हो, तो वो आपकी कैसी लाइट निकलती है, अनपोलर लाइट ही निकलती है। दूसरा है आपका पोलराइज्ड लाइट, ढंग से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, बाय एनी प्रोसेस इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर कन्फाइन इन अ प्लेन, बाय एनी प्रोसेस इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर कन्फाइन इन अ प्लेन then light is known polarized light। कोई भी आप प्रोसीजर लगाइए, by any process, किसी भी प्रोसीजर को लगाइए, if the vibration of light vector, किसी भी process को लगाकर अगर आप light vector के vibration को एक plane में confine कर लें, एक plane में सीमित कर लें, तो वो light आपकी कहलाएगी polarized light। जैसे अब यहां दो light हैं, एक एरो दिए है और एक क्या है डॉट दिए, एरो का मतलब होता है वाइब्रेशन इन अ प्लेन, एरो का मतलब है वाइब्रेशन इन अ प्लेन, और जो डॉट है उसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तो है आपका
वाइब्रेशन इन प्लेन, और ये है परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक तो वाइब्रेशन इन प्लेन है और एक है परपेंडिकुलर टू प्लेन। मतलब आपको कोई ऐसा प्रोसीजर लगाना है जिससे ये डॉट और एरो अलग अलग हो जाए। कोई भी ऐसा सिस्टम बनाइए, कोई भी ऐसा प्रोसीजर लगाइए जिससे आप लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन को एक प्लेन में कंफाइन कर पाए, एक प्लेन में सीमित कर पाए। कुछ ऐसा त्रिकोण, कुछ ऐसा प्रोसीजर आपको लगाना पड़ेगा। अब अगर एरो रह गए तो वाइब्रेशन इन अ प्लेन होगा, और अगर डॉट रह गए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। एरो रह गए तो इसका मतलब होगा वाइब्रेशन इन अ प्लेन, और डॉट रह गए तो डॉट का मतलब होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एरो का मतलब वाइब्रेशन इन प्लेन है और डॉट का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा एक बार इसको। व्हाट इज द अनपोलराइज्ड लाइट? अनपोलराइज्ड लाइट का क्या है? इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर फाउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, इफ द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर फाउंड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, देन लाइट इज नोन, देन लाइट इज नोन अनपोलराइज्ड लाइट। If the vibration of light vector found in all possible direction of wave propagation, then light is known unpolarized light. Okay? And what is a polarized light? By any process, if the vibration of light vector confined in a plane, then light is known polarized light. इसका मैंने आपको example बताया था unpolarized light का, कि किसी भी light source से, bulb हुआ, tube light हुआ, उससे जो लाइट एमिट होती है वो लाइट आपकी क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट। फिर पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? पोलराइज्ड लाइट आपकी जो मेनली एमिट होती है वो होती है टूरमेलाइन क्रिस्टल से, निकोल प्रिज्म से। ऐसे नहीं निकलेगी वो, या तो टूरमेलाइन क्रिस्टल से निकलेगी या फिर वो निकलेगी आपके सर निकोल प्रिज्म से निकलेगी। ठीक है, या तो वो टूरमेलाइन क्रिस्टल से निकलेगी या निकोल प्रिज्म से निकलेगी या फिर आप कोई पोलरॉइड वगैरह से निकलेगी, ऐसे नहीं निकलेगी। तो अब हमको क्या करना है, कुल मिला के बात ये है, अब हमको प्रोसीजर भी पढ़ेंगे इसके बारे में। आपको यहां तक आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आइए देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, एक बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। आपको बताना है व्हाट इज अ प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड व्हाट इज अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये आपका टूरमेलाइन क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल है आपका? ये टूरमेलाइन क्रिस्टल है। टूरमेलाइन एक स्पेशल क्रिस्टल होता है, ये इसकी एक्सिस है। टूरमेलाइन क्रिस्टल है, कैल्साइट का बनाया जाता है, कैल्साइट कैल्शियम का ही एक कार्बोनेट है, उससे इसको बनाते हैं। ये आपका टूरमेलाइन क्रिस्टल है, ये उसकी एक्सिस है, और हम जब टूरमेलाइन क्रिस्टल पर अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं, कैसी लाइट डालते हैं? अनपोलराइज्ड, यह आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट। जब हम टूरमेलाइन क्रिस्टल पर अनपोलराइज्ड लाइट डालते हैं, व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ टूरमेलाइन क्रिस्टल, ठीक है,
The vibration of light vector which are in the direction of crystal axis. ये जो आपकी crystal axis है, light vector के vibration, the vibration of light vector which are in the direction of crystal axis, जो crystal axis की direction में होते हैं, passes easily. ऐसे समझिए जैसे मेरे पास इस बोर्ड के बराबर का एक घंटा है, या मान लीजिए ये बोर्ड ही है, या ऐसे समझिए जैसे ये गेट होता है ना आपका, डोर होता है, इस डोर के साइज के बराबर की लेंथ के बराबर का डंडा है। अब अगर मैं उस डंडे को ऐसे निकालूंगा डोर से, यानी कि उसकी एक्सिस में, तो बड़े आराम से निकाल लूंगा। लेकिन अगर उसी डंडे को मैं आप 90 डिग्री टिल्ट करके निकालने की कोशिश करूंगा ऐसे, तो नहीं निकाल पाऊंगा। समझ रहे? तो मैं यही बताना चाह रहा हूं, द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर, जो लाइट वेक्टर का ये जो वाइब्रेशन आ रहे है एरो वाले और डॉट वाले, व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टल एक्सिस, जो क्रिस्टल एक्सिस की डायरेक्शन में है, ऐसे वाइब्रेशन जो क्रिस्टल एक्सिस की डायरेक्शन में हो, तो वो तो इससे क्या हो जाएंगे सर, इजीली पास हो जाएंगे, उसके लिए तो अलाउ है। खूब जाओ, ये कौन सा क्रिस्टल है आपका, टूरमेलाइन क्रिस्टल। तो जिसके वाइब्रेशन टूरमेलाइन क्रिस्टल की एक्सिस में होंगे, वो तो इससे पास आउट हो जाएगा। एंड द वाइब्रेशन ऑफ लाइट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू द क्रिस्टल एक्सिस एब्जॉर्ब बाय द क्रिस्टल, और वो क्रिस्टल से क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो ये आपकी लाइट कैसे होगी सर, कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपको ऐसा प्रोसीजर लगाना है जिससे आपको कोई ऐसा सिस्टम लगाना है जिससे एक डॉट वाला आपने रोक लिया ना, एरो तो चला गया, एरो तो पास हो गया, लेकिन डॉट एब्जॉर्ब हो गया। जब एरो इसमें से पास हो गया तो लाइट कैसी रही आपकी, पोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट रही आपकी, पोलराइज्ड, और डॉट आपका एब्जॉर्ब हो गया। हो गया ना डॉट एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब होने का मतलब रोक लिया। तो मैंने क्या कहा था आपसे, डॉट या एरो में से किसी एक को रोक लो और किसी एक को जाने दो, तो लाइट आपकी कैसी हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। वही सिस्टम हुआ है, तो ये आपकी पोलराइज्ड लाइट होगी। तो अब बात आती है, व्हाट इज द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ऐसा प्लेन जिसमें वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और लाइट वेक्टर के वाइब्रेशन दोनों प्रेजेंट हो, वो आपका कहलाता है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो आप देख लीजिए ए बी सी डी आपका वो प्लेन है, इसी को अपन बोलते हैं वाइब्रेशन प्लेन। ठीक है, दोबारा सुनिएगा, अ प्लेन इन विच पोलराइज्ड लाइट, ऐसा प्लेन जिसमें पोलराइज्ड लाइट एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन आर प्रेजेंट, ऐसा प्लेन जिसमें वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पोलराइज्ड लाइट दोनों प्रेजेंट हो, तो वो कहलाएगा आपका वाइब्रेशन प्लेन। क्या कहलाएगा आपका वो, वाइब्रेशन प्लेन। और वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर हमें एक प्लेन बनाना है, बोर्ड पे तो आपको थोड़ा ढंग से नहीं दिख पाएगा, पर आप समझने की एक बार कोशिश कीजिएगा, ऐसे जैसे वाइब्रेशन प्लेन इस बोर्ड में आ गया, ऐसे कोई प्लेन बनाना है। एक एग्जांपल के थ्रू बताइए, जैसे ये तो वाइब्रेशन प्लेन हो गया किताब, ठीक है, अब अगर इसके परपेंडिकुलर हमने ऐसे कोई प्लेन बना दिया, तो वो कह रहा है तुम्हारा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशन प्लेन तो वो होता है जिसमें वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पोलराइज्ड लाइट दोनों प्रेजेंट होती हैं। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, ऐसा वर्टिकल प्लेन या कह सकते हो परपेंडिकुलर प्लेन ऑन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन प्लेन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसी का नाम होता है पोलराइजेशन, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजेशन प्लेन। ठीक है, तो ये नाम देते हैं आप इसको ई एफ जी एच।
तो ई एफ जी एच ये आपका हो जाएगा पोलराइजेशन प्लेन। तो ये आपका पोलराइजेशन प्लेन और ये आपका वाइब्रेशन। आई थिंक आपको काफी अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, एक बार आप इसे देख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए सर आगे चलते हैं। अगला जो आपका टॉपिक है वो है पोलराइजेशन। देखिए मैंने आपसे कहा था पोलराइजेशन पोलराइज वेव कोई होती ही नहीं, हमको तो कोई ऐसा प्रोसीजर लगाना पड़ता है जिससे अनपोलराइज्ड लाइट को हम पोलराइज करते हैं। तो आपको हम पहले पढ़ा रहे हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन कैसे होगा? जैसे ये आपकी एक वाटर सरफेस है, ठीक है, ये आपका वाटर है। वाटर कैसा मीडियम होता है? डेंसर, ठीक है। ये देखिए ये आपकी कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। कैसी लाइट है आपकी? ये अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपका एयर है, कौन सा मीडियम है? एयर, जो एक तरह का रेयर मीडियम होता है। ये आपका वाटर है, जो एक तरह का डेंसर मीडियम होता है। ये आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है, कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। और जब अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस यानी कि लाइक अ वाटर या ग्लास कुछ भी हो सकता है, तो ट्रांसपेरेंट सरफेस पर गिरती है, ये आपका नॉर्मल है। और ये कोई वो एंगल बनाते हुए गिरेगी, इंसिडेंट एंगल आई, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई बनाते हुए जब किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे गिरती है तो जाना तो इस रे को इस तरह से चाहिए, लेकिन लाइट रे क्या हो जाएगी आपकी? आप जानते हैं रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, ये एंगल आपका आर होगा, ठीक है। आपको मैंने जब रिफ्लेक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि कुछ हिस्सा तो कुछ रे का कुछ हिस्सा उसी मीडियम में वापस लौट जाता है। इसका मतलब सम पार्ट ऑफ दिस रे गेट बैक इन सेम मीडियम और एंड सम पार्ट ऑफ दिस रे, इसको हम कहते कुछ हिस्सा उसी मीडियम में लौट जाता है, बाकी रेस्ट जो होता है वो दूसरे मीडियम में एंटर करता है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, ये जो आपकी है रिफ्रेक्टेड लाइट है, कैसी लाइट है आपकी? ये रिफ्रेक्टेड लाइट है, ये ना पार्शियली पोलराइज्ड होती है। कैसी पोलराइज्ड है ये? पार्शियली, यानी कि कुछ हिस्सा पोलराइज्ड है कुछ नहीं है, हो सकता है कि 50% पोलराइज्ड हो सकता है कि 50% से भी कम हो, तो पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, ये आपकी पार्शियली पोलराइज्ड।
लेकिन जो लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है उसमें पोलराइजेशन का अमाउंट ज्यादा होता है। एक साइंटिस्ट थे ब्रूस्टर, ब्रूस्टर सजेस्ट दैट इफ द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू पोलराइजेशन एंगल, अगर ये जो आपने जो लाइट डाली है जो इंसिडेंट एंगल है वो अगर पोलराइजेशन एंगल के बराबर हो, आई पी जिसको हम ब्रूस्टर एंगल भी कह देते हैं, आई पी कह देते हैं, तो इसको पोलराइजेशन एंगल बोलिए, क्या बोलेंगे इसको अपन, पोलराइजेशन एंगल, या फिर हम इसको क्या नाम देते हैं, ब्रूस्टर एंगल। इफ द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू पोलराइजेशन एंगल और ब्रूस्टर एंगल देन रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुली पोलराइज्ड, जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके जा रही है ये भाई साहब आपकी फुली पोलराइज्ड है, फुली पोलराइज्ड लाइट, और ऐसी वैसी भी नहीं, प्लेन पोलराइज्ड। लेकिन ये हर एंगल पे नहीं दिखाएगा, ये केवल और केवल किस एंगल पर दिखाएगा, ब्रूस्टर एंगल पर। ये ब्रूस्टर ने बताया था कि आप जो लाइट डाल रहे हैं इज द इंसिडेंट लाइट, अगर जो आप लाइट डाल रहे हैं उसका जो एंगल है इंसिडेंट एंगल जो आईपी है अगर वो पोलराइजेशन एंगल के बराबर हो, किसके बराबर हो, पोलराइजेशन एंगल के बराबर, जिसको हम लोग क्या कह रहे ब्रूस्टर एंगल के बराबर हो, तो ये जो लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है वो फुली पोलराइज होगी, और चूंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट होके गई है इसीलिए इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, जो मैंने ऊपर आपको हेडिंग लिखाई है। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, देखिए, व्हेन एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट सरफेस लाइक अ वॉटर देन सम पार्ट ऑफ दिस रे गेट बैक इन सेम मीडियम व्हाइल द रेस्ट ऑफ दिस पार्ट रेस्ट पार्ट ऑफ दिस रे एंटर इन अनदर मीडियम। Experimentally, we will observe that the reflected light is partially polarized. The light which is refracted is partially polarized, not a fully polarized. While the Brewster, it's a scientist name, while the Brewster suggests that if the incident angle is equal to polarization angle or a Brewster angle, then the reflected light, the light which is get back in same medium, which is known reflected light, is fully polarized. अभी हम आपको ब्रूस्टर लॉ भी बताएंगे, हो सकता है उसे आज ना समझा के कल समझाएं। तो कहने का मतलब यह है जो लाइट लौट कर गई दूसरे मीडियम में वो तो भाई साहब 100% कैसी थी, पोलराइज्ड थी, ठीक है। तो ये सिस्टम डेवलप हुआ, अब ये एंगल आ रहे हैं और ये एंगल कितना, ये भी एंगल आईपी होगा, आप जानते हैं रिफ्लेक्शन के रूल के हिसाब से जितना इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये आपकी ये वाली जो है आपकी वो रिफ्लेक्टेड रे है। आपको पता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में कितना एंगल बनाती है, व्हाट वाज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रेक्टेड रे, इन दोनों रेज के बीच का एंगल कितना होता है, लो चलो मैं नहीं बना दिया, 90 डिग्री होता है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रेक्टेड रे इज 90 डिग्री, रिफ्रेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और हम ब्रूस्टर लॉ को भी अब प्रूफ करेंगे। तो आज आपने एक नए टॉपिक का श्री गणेश किया है, और वो है आपका क्या, पोलराइजेशन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि पोलराइजेशन तो करना पड़ता है, होता नहीं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूंगा, वो कई बार पेपर में आया है, लाइट वेव में नहीं पढ़ते आप पोलराइजेशन, जबकि साउंड वेव में आप पोलराइजेशन पढ़ते हैं। वी डोंट स्टडी, वी डिडंट स्टडी द पोलराइजेशन इन अ लाइट वेव, वी डू नॉट स्टडी द पोलराइजेशन इन लाइट वेव, but we study the polarization, but we study polarization in sound wave, but we study polarization in sound wave, hum
साउंड वेव में तो पोलराइजेशन पढ़ते हैं पर लाइट वेव में पोलराइजेशन नहीं पढ़ते हैं। क्यों? बहुत सीधा सा उत्तर है, लाइट वेव जो होती हैं ट्रांसवर्स होती हैं और पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में ही मिलेगा, और जबकि जो साउंड वेव होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होता। ये भी कई बार पेपर में आ चुका है। तो आज का ये बहुत है लेक्चर, वैसे मुझे ब्रूस्टर एंगल ब्रूस्टर लॉ समझाना था, वो मैं कल के लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।